चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब पहले वाली नहीं रही है और अब अपने रास्ते से भटक गई है। मैं यहां सारी चीजों से मुक्त होकर अपनी बात कहने आया हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस से अलग होने के साफ संकेत देते हुए कहा कि आज मैं अपने आप को अपने अतीत से मुक्त करता हूँ। मुझे नेताओं व रैली में मौजूद लोगों के द्वारा कोई भी फैसला लेने का जो अधिकार दिया गया है उसके लिए मैं जल्दी ही एक कमेटी का गठन करूंगा और कमेटी की ही सलाह पर इस बारे में आगे कोई फैसला लूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अपने रास्ते से भटक गई है। 5 किलो वजन घटा दिया, ये तो किसान का करा और गरीब आदमी जो दलित है, बैकवर्ड क्लास है, जिनको हमने 3,82,100 गज के प्लॉट दिए थे, आज ये सरकार बताए, गांव का नाम बता दे, आदमी का नाम बता दे, किसी को एक गज जमीन दी हो इसने। हरियाणा में बेरोजगारी की प्रतिशत 2.8 थी और आज वो बढ़कर 8.8 हो गई। इसका मतलब कहां जाएंगे हमारे जवान? कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आज हर रोज 3 कत्ल, 4 बलात्कार, जो प्रदेश आमदनी प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में था नंबर एक, आज अपराधों में नंबर एक हो गया है। तो ये आपके सामने है। सवाल आता है कि आज हरियाणा के लोगों को क्या चाहिए? जैसे मैंने कहा, सारे उनसे मुक्त होकर मैं आया हूं एक ही बात लेके कि हरियाणा के लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार बने, लोगों की सरकार बने, जनहित की सरकार बने। सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? मैं सोचता था कि भाई मैं रिटायर हो जाऊं, 72 साल का हो गया, लेकिन ये दशा देखकर मैंने फैसला किया कि आपके हित के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन सरकार कोई ठीक काम करती है, चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई, क्यों पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। लेकिन जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, किसी से समझौता नहीं करूंगा और इसी वास्ते 370 का मैंने समर्थन किया, 370 का समर्थन किया। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूं, 370 की आड़ में 5 साल का हिसाब जरूर लेंगे, उसको हिसाब देना मत भूलो। आपने 5 साल में क्या किया है? 5 साल में क्या किया? ये लोग आपका हिसाब लेंगे। अरे हरियाणा, मैंने क्यों किया 370 का समर्थन? आज कश्मीर में, श्रीनगर में कौन है वहां? कहां के सैनिक हैं? हमारे भाई हैं हरियाणा के, इस वास्ते मैंने उसका समर्थन किया। ये आपके सामने आज सवाल आया कि भाई सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे, ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरकार बनेगी, अपनी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे। भाई सबसे पहले तो अपराधियों का सफाया करूंगा, बदमाश और गुंडे हरियाणा से बचाऊंगा। जो बदमाश और गुंडों की ये शरणास्थली बन गई है, मैं जब 2005 में बना उस समय ऐसे ही हालात थे, लेकिन 2 महीने के अंदर सारे बदमाश हरियाणा को छोड़ गए थे, बदमाश गुंडे। आज आता है बदमाश गुंडा, कत्ल करता है, लूटता है, फिरौती मांगता है और खुली छाती चला जाता है। ये आज हरियाणा में कानून व्यवस्था है। और भाई किसान जो मेरा बर्बाद की कगार पे है, अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान का सबसे पहले उसका कर्जा माफ करूंगा। पहले भी किया हमने,
पहले भी किया फिर करूंगा। और खाली किसान वो उन किसानों को भी जो भूमिहीन किसान है उनका भी, जो बेचारे जिनके पास भूमि नहीं है खेती करते हैं उनका भी, और 2 एकड़ तक के किसान को ट्यूबवेल को बिजली फ्री दूंगा 2 एकड़ वाले को। मेरे भाई व्यापारियों का भाई इंस्पेक्टर खत्म किया जाएगा, उनका जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, और छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे हम ताकि रोजगार मिल सके। कर्मचारियों का भाई सबसे ज्यादा तकलीफ आज कर्मचारियों को है। रोज देखते हैं आप आंगनवाड़ी वर्कर, उनको जलसे में तो ले जाता ही है, कहीं बीजेपी का जलसा हो तो आंगनवाड़ी वर्कर उनको ले जाते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो भूल जाते हैं। हमारी सरकार आएगी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा वर्कर और मिड डे मील में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भत्ता और सुविधा सरकारी कर्मचारी के बराबर होगा। हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान अलाउंस दिए जाएंगे जो हमने कहा, और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, उनकी बहुत मांग है। और सातवां जो आयोग है, सातवां वेतन आयोग है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। ये 6,000 करोड़ कर्मचारियों की डांडी मार रही है सरकार, 1 फरवरी 2016 से दिए जाएंगे उनको, उसका आचार्य दिया जाएगा। और भाई जिसकी ये काख पीट रहे हैं, क्लास डी में एमए, एमएड, बीएड, इंजीनियरिंग जो क्लास डी में लगा रखे हैं और छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, मैं उनको कहता हूं भाई छोड़ो मत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा तो जितने बीए और उससे ऊपर जो लगे हुए हैं सबको क्लास सी बना दूंगा, डी किसी को नहीं रहने दूंगा। क्लास डी 10वीं 12वीं गरीब आदमी के लिए होगा, यह आपके सामने, गरीब मजदूर के लिए प्रदेश में डेली वेजेस सबसे ज्यादा देंगे हम। बीपीएल महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, हर घर में उनको देखना पड़ता है हर टाइम अपने घर वालों की तरफ, तो भाई सारी गरीब महिलाएं जो गृहिणी हैं उनके खाते में हर महीने 2,000 रुपए हम डालेंगे सीधा खाते में। और जो बीपीएल हैं उनको 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हम। सब जो उनको कहां इतनी बिजली महंगी कर दी इन्होंने, विवाह शकुन योजना 1 लाख रुपए करेंगे, और गरीब आदमी को 2 रुपए चावल और 2 रुपए गेहूं देंगे हम। सब जो और प्रदेशों में मिल रहे हैं ये साथ हेराफेरी कर रहे हैं। और किसान के लिए एक और धोखा किसान से हो रहा है, फसल बीमला के नाम पर उनके अकाउंट से काटे जा रहे हैं। भाई जितनी उसकी फसल बीमा योजना की जो होगा, जो उसकी किस्त होगी वो हरियाणा सरकार भरेगी, किसान नहीं भरेगा। और भाई बिजली फुल और रेट आधा करें, ये आपके सामने। लेकिन सबसे ज्यादा अहम जरूरी रोजगार की बात, हम ऐसी स्कीम बनाएंगे कि हर परिवार में योग्यता के अनुसार एक नौकरी मिले हर परिवार में। रोजगार मिलने तक, जब तक रोजगार नहीं मिले उसको, पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 रुपए और भाई बीए को हम देंगे 7,000 रुपए महीने। और भाई पहले भी हमने करके दिखाया, 11,000 एक कलम से सफाई कर्मचारी लगाए थे, अब का हमारी सरकार आई तो 50,000 लगाऊंगा 35,000 गांव में और 15,000 शहरों में। और आंध्र प्रदेश की तरह जो है कानून बना दूंगा उसको तर्ज पे कि 75% नौकरी हरियाणवियों को मिले। ये नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। आज मैं गया था वहां अभी फतियाबाद और इस साइड में, वो कह रहे थे हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, नशे में आ गए, टीका लगा रहे हैं, जैसे पंजाब में खराब हुए, तो नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। और भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ मेरी माताएं बैठी हैं, तुम भी सुन लो भाई, बुढ़ापा पेंशन महीना का 5,000 रुपए दूंगा।
और जो जो ये भाजपा सरकार ने ठगी करी है पांच साल में, जो 200-200 रुपए बढ़ाए हैं, जो 200-200 रुपए बढ़ाए हैं इस भाजपा सरकार ने ठगी करी हमारे बुजुर्गों के साथ, कहा कुछ किया कुछ, 200-200 डालने के, तो ये जितना जो है ना अंतर 24,000 रुपए भाई जो बैलेंस है वो हम जाएंगे जिनकी जो ठगी कर रखी है, ये रेट जो बना है। और मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, दिल्ली ने कर दिया भाई, हमारे को क्या तकलीफ है, इनका हरियाणा रोड में महिलाओं का फ्री, जाओ जहां मर्जी जाओ। और जो एससीबीसी है, 100-100 गज के प्लॉट हमने दिए थे, कब्जे नहीं मिले बहुतों को, और जो रह गए 6 महीने के अंदर अंदर सबको 100-100 गज के प्लॉट देंगे हम लोगों को, और गरीब आदमी के लिए 4 लाख घर बना के देंगे ताकि उनका बसेरा हो प्लॉट के साथ साथ। मैं जाता हूं जिस शहर में, बहुत लोग मिलते हैं मेरे को, भाई क्यों, बोले जी 15-15 साल हो गए मकान बनाए हमने, सेक्टरों में अनाउंसमेंट आ गया, हम दे नहीं सकते। भाई सेक्टरों की अनाउंसमेंट पूर्ण रूप से खत्म की जाएगी, ड्रामा नहीं करेंगे इनकी तरह। और दलित बच्चों का पहले भी किया था मैंने, दलित बच्चे जो हैं जो पहली से जमात में दाखिल होगा 8वीं तक उसको 500 रुपए देंगे, और 9वीं से 12वीं तक उसको 1,000 रुपए हर महीना देंगे, और 12वीं से ऊपर 1,500 रुपया महीना देंगे दलित। और भाई जो हमारे सैनिक भाई हैं, पूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, उनका सबको आपको मालूम है एक समान करके उनके हर चीज में हम इजाफा करेंगे ताकि वो हमारी रखवाली अच्छी तरह करें, उनके उनकी सुविधाओं के लिए, शहीदों के लिए नई नीति बनाएंगे हम। भाई यार मौका मिला तो 4 चीफ मिनिस्टर तो एक होगा ना, 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन? एक तो भाई बैकवर्ड क्लास से, बैकवर्ड बी से होगा, और दूसरा एक दलित होगा, और एक ब्राह्मण होगा, एक और कोई सा हो जाएगा। और बीसीए वर्ग, ए वर्ग की जो टिकट हैं, जो टिकटें होती है पार्टी की, बीसीए वर्ग को टिकट उनकी जनसंख्या के अनुसार दे जाएगी, उन्हें देता ही नहीं कोई, नहीं खाती ना ही लोहार ने, इनको टिकटें कोई नहीं देता, कुमार ने, इनको देंगे हम टिकट, इनको बढ़ाएंगे आगे। और इस वास्ते आपको ये बता रहा हूं मैं, ये तो मोटी मोटी बात बताई है, और मेरी दिमाग में बहुत सारी वो है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जैसे मैंने कहा हर चीज से मुक्त होकर आया हूं, और मैं भाई आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, पहले भी लड़ी हमने, पहले भी जब भी आपने साथ दिया 2005 में, 2005 में क्या कहते थे भाई, इसमें कौन बन देगा, हम साथ तो दे जाए, फिर 2005 में बन गया तो यूं कहते थे कि इसने कौन रहने देगा, 6 महीने में हटा देंगे, 10 साल चलाई ना, ये फिर 36 बराजी साथ दे दो, 10 साल और नहीं छोड़ू इन्हें। लेकिन जो डॉक्टर कादयान ने, डॉक्टर कर्ण सिंह दलाल जी ने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव पास करके मेरे को अधिकृत कर दिया कि जो ये फैसला करे, लेकिन मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ भविष्य, ये मेरे सामने बैठे इनका जुड़ा हुआ है, ये मेरे साथ जो मेरे साथी हैं इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं कर सकता मैं। भाई एक कमेटी बनाऊंगा और चंडीगढ़ जाके उसको अनाउंस करूंगा, उसमें सारे तो वो एमएलए 13 जो मेरा साथ देते रहे, 13 के 13, और 12 आदमी और बनाऊंगा जो ये कहेंगे वो करूंगा। हुड्डा ने नौकरियों में पारदर्शिता की मनोहर लाल सरकार के दावे पर भी गंभीर सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि नौकरियां कैसी दी जा रही हैं, एमए पास युवाओं को चपरासी बनाया जा रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं। रैली में हुड्डा ने जमकर चुनावी घोषणाएं की।
रोहतक की परिवर्तन रैली में बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए डाले जाएंगे। वहीं बीपीएल को 300 यूनिट तक बिजली फ्री और विवाह शगुन योजना 1,00,000 रुपया के साथ ही गरीब आदमी को 2 रुपए किलो चावल व गेहूं दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपया महीना करेंगे। हरियाणा रोडवेज में महिलाओं की यात्रा फ्री होगी। गरीबों के लिए 4,00,000 घर बनाकर देंगे। दलित बच्चों को 8वीं तक 500 रुपया वजीफा, वहीं 12वीं तक 1,000 रुपये व उससे ऊपर 1,500 रुपया वजीफा दिया जाएगा। हुड्डा ने आगे कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें से 1 ओबीसी, 1 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण व 1 अन्य किसी वर्ग से होगा। रोहतक की इस रैली में हुड्डा समर्थक करीब 13 विधायक, कई पूर्व विधायक सहित हरियाणा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रैली के पहले ही इस तरह के कयास थे, हुड्डा कांग्रेस से अलग रास्ते की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह भी चर्चा आम थी कि वह अपनी अलग पार्टी की जगह एक कमेटी के गठन की घोषणा करते हैं। रैली के दौरान पूरे ग्राउंड पर कहीं भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी का कोई भी चुनाव चिन्ह तक नजर नहीं आया। आपको बता दें कि बीती रात कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की थी और इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह फिलहाल अलग पार्टी का ऐलान नहीं करेंगे। इसके बाद हुड्डा ने रैली में एक कमेटी के गठन का ऐलान किया। यह कमेटी कांग्रेस से अलग होने के बारे में 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी और भविष्य की राजनीति पर जनता की भावनाएं जानेगी। कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।